के मियां नवाशी साहब हमारे पार्टी लीडर हैं, तो सारे ही मामला वो पॉलिटिकल हो या वो गवर्नमेंट से निकल का हो, उनके ऊपर उनसे रहनुमाई हासिल करना जो है ये हमारी ज़रूरत भी है और ये पार्टी का मैंडेट भी है। तो इस सिलसिले में दो मीटिंग्स हुई हैं और आज भी इसी सिलसिले में जो है वो मीटिंग होंगी, और जो मुख्तलिफ इशूज़ हैं जो भी हुकूमत को या गवर्नमेंट को या पार्टी को दरपेश हैं, तो वो सभी मामला के ऊपर बात होती है। अब अमन ओमान की सूरत हाल पैदा हो सकती है, इमरान खान अगर 20 लाख बंदे कहते हैं मैं ले आऊं, ओ यार 20 लाख को कहाँ से ले आएगा वो? 2014 में जब वो पीक पे था, कोई फराह खां का कोई और दूसरी लान तान उसके जुम्मे नहीं थी, क्योंकि वो पहले गवर्नमेंट में कभी नहीं रहा था। अब तो 101 क्वेश्चन जो है वो उसके ऊपर उठाए जा सकते हैं, उठाए जा रहे हैं, तो वो कहाँ से 20 लाख ले आएगा? ये तो गवर्नमेंट का फैसला है, इत्तेहादी गवर्नमेंट है, और जो कैबिनेट कंसेंसस से डिसीजन करेगी, अगर ये फैसला हुआ कि इसको आने देना है तो ठीक है, कोई ले आएगा 10-15 हज़ार आदमी, और अगर ये फैसला हुआ कि ये इसको नहीं आने देना तो ये बिल्कुल ये 20 बंदे भी नहीं ला सके। शेख रशीद भी नहीं आएगा, वो भी लाल हवेली बैठा रहेगा। कि मियां नवाशी साहब हमारे पार्टी लीडर हैं, तो सारे ही मामला वो पॉलिटिकल हो या वो गवर्नमेंट से निकल का हो, उनके ऊपर उनसे रहनुमाई हासिल करना जो है ये हमारी ज़रूरत भी है और ये पार्टी का मैंडेट भी है। तो इस सिलसिले में दो मीटिंग्स हुई हैं और आज भी इसी सिलसिले में जो है वो मीटिंग होंगी, और जो मुख्तलिफ इशूज़ हैं जो भी हुकूमत को या गवर्नमेंट को या पार्टी को दरपेश हैं, तो वो सभी मामला के ऊपर बात होती है। अमन ओमान की सूरत हाल पैदा हो सकती है, इमरान खान अगर 20 लाख बंदे कहते हैं मैं ले आऊं, ओ यार 20 लाख को कहाँ से ले आएगा वो? 2014 में जब वो पीक पे था, कोई फराह खां का कोई और दूसरी लान तान उसके जुम्मे नहीं थी, क्योंकि वो पहले गवर्नमेंट में कभी नहीं रहा था। अब तो 101 क्वेश्चन जो है वो उसके ऊपर उठाए जा सकते हैं, उठाए जा रहे हैं, तो वो कहाँ से 20 लाख ले आएगा? ये तो गवर्नमेंट का फैसला है, इत्तेहादी गवर्नमेंट है, और जो कैबिनेट कंसेंसस से डिसीजन करेगी, अगर ये फैसला हुआ कि इसको आने देना है तो ठीक है, कोई ले आएगा 10-15 हज़ार आदमी, और अगर ये फैसला हुआ कि ये इसको नहीं आने देना, तो ये बिल्कुल ये 20 बंदे भी नहीं ला सके। शेख रशीद भी नहीं आएगा, वो भी लाल हवेली बैठा रहेगा। YouTube पर Googly News देखने के लिए YouTube.com की सर्च बार में Googly News TV टाइप करें। Googly News के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।